विधानसभा चुनाव 2018 के नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन सवर्ण समाज पार्टी के 5 लोगों ने भरे फार्म, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने लिए नामांकन फार्म। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहां पे निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी तैयारियां हैं। आज निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा दिन है, चाक चौबंद व्यवस्थाएँ की गई हैं, चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए अलग अलग विधानसभा वार कक्ष बनाए गए हैं। हालांकि आज कई लोगों ने फॉर्म लिया, लेकिन आज श्रमण समाज पार्टी के लक्ष्मण तिवारी फॉर्म भरने जा रहे हैं। रीवा दर्शन के लिए सादा सिद्दीकी। पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय में चल रहे नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन सवर्ण समाज पार्टी के 5 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन फॉर्म जमा किए, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी ने अपना फॉर्म मऊगन विधानसभा से जमा किया। वहीं पार्टी के सिरमौर, त्योंथर, मनगवा और गुड़ के प्रत्याशियों ने भी अपने फॉर्म जमा किए। वहीं भाजपा के प्रत्याशियों ने भी शनिवार को नामांकन फॉर्म लिए। फॉर्म जमा करने आए सवर्ण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी का कहना है कि किसानों के परिवार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, साथ ही जो SC ST एक्ट है उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि आरक्षण गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, लगभग वही 30 सीटों का फाइनल हो गया है। आगे भी 5 तारीख को संसदीय दल का बैठक है भोपाल में, उसमें जो भी अब प्रार्थना पत्र आए हैं उस पर विचार करके और संसदीय बोर्ड उसका फैसला कर देगा। रही बात रीवा की, तो रीवा में आज हमारे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र, चौथर विधानसभा क्षेत्र, मनगवा विधानसभा क्षेत्र, गुड़ विधानसभा क्षेत्र, अब मैं स्वयं मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से आज पर्चा भर रहा हूँ और बाकी के प्रत्याशियों का पर्चा 5 तारीख को दिया जाएगा।